आज हम एक ऐसे मंदिर में हैं जो सोने का है, जिसको श्री देवी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पंजाब के जलंधर शहर में है, जो मेरा शहर है, और यहाँ का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके साथ इसका एक गहरा ऐतिहासिक संबंध भी है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इस 200 साल पुराने मंदिर के अंदर जाने के लिए हमारे सामने तीन द्वार हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले हम सभी एक महत्वपूर्ण कहानी सुनेंगे। ये है शक्तिपीठ की कहानी। जब माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो इससे भगवान शिव के क्रोध ने पृथ्वी पर प्रलय की संभावना को बढ़ा दिया। प्रलय के आगमन की आशंका ने सभी को घबरा दिया। इस अत्यंत आपत्तिपूर्ण समय पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उड़ाकर माँ सती के शरीर को अनेक भागों में काट दिया, ताकि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। माँ सती के शरीर के जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे, वहाँ विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हुई और ये स्थल शक्तिपीठ के रूप में मान्य गई। इस प्रकार 51 शक्तिपीठ बने और ये सभी साक्षात दिव्य शक्तियों के स्थान है, जो देवी के महत्वपूर्ण अवतारों को प्रकट करने के लिए हुए थे। इनमें से एक शक्तिपीठ है श्री देवी तालाब मंदिर, जो इस प्राचीन कथा की यादगार है। आज भी यहाँ कई भक्त आकर्षित होते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। चलिए इस श्री देवी तालाब मंदिर से मैं आपकी जान पहचान करवाता हूँ। ये मंदिर मेरे घर के और मेरे दिल के इतना करीब है कि मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। जब आप इस मंदिर के बारे में जानेंगे, तो आपके मन में भी एक बार दर्शन करने का ख्याल जरूर आएगा। मंदिर में हमारे सामने दो मुख्य मॉडल हैं, एक अमरनाथ मॉडल और दूसरा परशुराम के सामने महादेव का मॉडल। चलिए इन्हें आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो भी मंदिर आता है, उसके दिमाग और मन में ये मॉडल एक अद्भुत तरीके से छप जाते हैं। यहाँ पर कोई भी आए, चाहे वो फोटो खींचे या ना खींचे, ये तस्वीर उनकी यादों में सदैव बसी रहती है। फोटोज और वीडियोस, ये तो यहाँ के लोगों का प्यार है, जो इस पावन स्थल के सौंदर्य को संजीव रूप से भी दर्शन करते हैं। हाँ, यहाँ लोग अपने आदर्श देवता परशुराम जी और भगवान शिव के साथ फोटोज और वीडियोस खींचते हैं, जैसे कि वह इनका समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बता दूं, परशुराम जी के लिए एक विशेष मंदिर भी है, इसलिए चलिए हम उनके भी दर्शन करते हैं। भगवान हनुमान और प्रभु श्री राम जी के मंदिर की महत्वपूर्ण भूमि पर चलकर आपका वह अनुभव सचमुच अनोखा होता है। ये है हम सब के फेवरेट भगवान हनुमान जी और साथ में प्रभु श्री राम जी का मंदिर, और ये बगल में हनुमान जी का स्पेशल मंदिर है, जहाँ जाकर कुछ देर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब सारी चिंताएँ, सब समस्या और सभी तनाव दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के आदर्श के साथ जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिलती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, और दिखा भी दिया तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उसे बस महसूस किया जाता है, बस जिया जा सकता है। मंदिर की शांति और ध्यान के वातावरण से आपकी आत्मा ऊर्जावान हो जाती है। आप जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर की सुंदरता आपके मन को शांति देती है, और वहाँ के वातावरण में हर दिन गुजारने के बाद आपके मन में सकारात्मक बदलाव आता है। आपको अपने श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करने का अवसर मिले, तो उसका सही तरीके से आनंद लें और उनसे आत्मिक जुड़ाव का एहसास करें। यह आपके जीवन को खुशी और समृद्धि से भर देगा।
ये दृश्य देखने से स्पष्ट होता है कि प्रकृति जीवों का भी अपना एक अपना धर्म होता है। चमगादड़ जो रात्रि के पक्षी होते हैं, वह भी अपने तरीके से भगवान की पूजा करते हैं और इस तरह वह भक्ति और संकल्प के साथ अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। यहाँ चमगादड़ के पेड़ पर लटके हुए उन्हें देखकर हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की शरण में होना महत्वपूर्ण है, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से हो या उन्हें अलग रूपों में प्रकट करें। इससे हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि धार्मिकता का अर्थ अलग अलग रूपों में हो सकता है, परंतु उसका महत्व सदैव बरकरार रहता है। अमरनाथ यात्रा एक अविश्वसनीय वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो दुनिया भर के भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यात्रा अपने आप में किसी के विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा है जो अक्सर कई दिनों के जोखिम भरे इलाकों में फैली होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा करने जा रहा हूँ और जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है वो ये है कि यह यात्रा यहीं श्री देवीतलाब मंदिर में होगी। लेकिन इससे पहले कि हम उस शाही मुठभेड़ में उतरें, वास्तव में कुछ अविश्वसनीय है जिसे हमें अवश्य खोजना चाहिए। इस शेर का रहस्यमय आंतरिक भाग, हाँ आपने इसे सही सुना, इस भव्य शेर की मूर्ति के अंदर आश्चर्य की एक दुनिया है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो प्रिय दर्शकों, अपने आप को तैयार रखें क्योंकि हम इस मनोरम साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम जल्द ही शेर के पेड़ के भीतर छिपे रहस्यों का खुलासा करेंगे। ये दृश्य वाकई अद्भुत है। आजकल इसमें पानी नहीं होने के बावजूद यहाँ की भक्ति और आध्यात्मिकता की गहरी भावना को दिखाता है। यह स्थल हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पल में व्यक्तिगत साधना और आध्यात्मिक आवश्यक है, चाहे हमारे पास सभी सुख सामग्री हो या ना हो। मेरे कहने का भाव है कि इस गुफा में पानी भी रहता है घुटनों तक, जो कि अभी नहीं है। यह स्थल बेहद चमत्कारी है और इस पर कैमरा भी लगा हुआ है जिससे हम देख सकते हैं कि यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ का कैसा माहौल होता है और लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे लगे रहते हैं। शेर के पेड़ के अंदर तीन माता जी की मूर्तियां हैं और वहां एक पंडित जी भी है जो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं और लोग प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारी यात्रा शुरू होती है अमरनाथ की यात्रा। यात्रा सिंपल है, चढ़ाई करो, दर्शन करो और नीचे उतरो, और नहीं तो क्या, अमरनाथ का मॉडल है, असली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपको सच बताऊं तो मजेदार जरूर है। अब हम दो महत्वपूर्ण मंदिरों की यात्रा करेंगे। पहला मंदिर है सोने का मंदिर, दूसरा है माँ चित्रकाली का मंदिर। चलिए हम इन मंदिरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण। और हाँ, इसे देवी तालाब मंदिर केवल ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि तालाब के अंदर ही यह सोने का मंदिर है जिसे सोने से काफी सुंदरता से आवृत किया गया है। तालाब के पानी में मछलियों का आकर्षण भी होता है और यहाँ के मंदिर को एक खास रूप से अनोखा बनाता है। बाहर से तो आपको एक अनोखा दृश्य का अनुभव हो गया होगा, अब आइए अंदर जाकर देखते हैं कि कैसे इस मंदिर का गहरा और शांतिपूर्ण माहौल होता है। अभी तो ये खाली है और सही भी है मेरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। यहाँ पे लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, चाहे बैसाखी हो या कोई भी भगवान से जुड़ा त्योहार जैसे कि छठ पूजा या रौनक मेला लगा रहता है। यहाँ सब कुछ खास होता है। अगर आप ऐसे खास मौके पर आते हैं तो आपकी जर्नी में चार चांद लग जाते हैं और मजा चार गुना हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं माता जी के उस खास मंदिर की ओर जिसकी वजह से इस इतने शानदार मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ हम माँ त्रिपुरमालिनी के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ माँ की आरती में हर दिन हजारों भक्त शामिल होते हैं।
और यहाँ इस शक्तिपीठ का मुख्य मंदिर है जो कि यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसके दरवाजे पर चलकर ही आपका एक अनोखा अद्वितीय आत्मा की ओर बढ़ने की भावना होती है और यहाँ की आरती के समय इस भक्ति और संकल्प का एहसास होता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक भक्ति का स्थल है बल्कि यहाँ का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक शांत और पूजनीय स्थल भी है जो हर दर्शनार्थी को अपनी माता जी के साथ एक अद्वितीय संबंध की ओर खींच लेता है। माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर तालाब के सामने स्थित है और एक बड़े पेड़ के नीचे बसा हुआ है। यहाँ का मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो आसपास के वन्य प्रकृति के सौंदर्य के बीच स्थित है। माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर के दरवाजे पर पहुँचते ही आपको एक शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण का एहसास होता है। यहाँ की शांति और सुकून आपकी आत्मा को छू लेती है और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाने के बाद आपका मन शांत हो जाता है। यहाँ के मंदिर के अंदर आपको माँ त्रिपुर मालिनी की पूजा करते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यहाँ की आरती का समय होता है और इस समय मंदिर में लाखों भक्त एकजुट होते हैं और माँ की महिमा का गान करते हैं। इस तरह से माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर एक स्थल है जहाँ आपका आत्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव मजबूत होता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। इस सुंदर स्थल का दर्शन करना आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। आपको जूताघर और पार्किंग के लिए मुफ्त पार्किंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही साफ और सुथरा है। मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम को भंडारा का भी इंतजाम होता है।